हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, व्लॉग नंबर 23। आज हम लोग आए हैं नौका विहार। यहाँ पर अभी शो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब शो स्टार्ट होगा आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग जब तक इस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ देखिए बहुत चाहिए, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करिए। जब शो स्टार्ट होगा तब हम लोग आपको दिखाएंगे कैसा शो है नौका विहार का। भाई बहुत मजा है। तो गाइस आप लोग एंड वीडियो एंड तक जब देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा, अगर एक और भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से।
तब से ही प्रख्यात योगी राज गंभीरनाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है। शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यवहार प्राचीन अचिरावती यानी राप्ती यहाँ कल कल बहती है। रमणीय गोरखपुर ने बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी में गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है।